हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारी ए टू जेड अवार्ड यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की ये जो वीडियो है उन लोगों के लिए है जिनको प्रॉब्लम हो रहा है ये कि उनका स्टार मेकर ओपन नहीं हो रहा है। तो किस तरीके का प्रॉब्लम हो रहा है, पहले हम ये समझा दें, क्या आपके मोबाइल में भी कुछ ऐसा ही प्रॉब्लम हो रहा है। अगर हो रहा है तो आप जो है ना तुरंत इस वीडियो को देखिए और देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि हमारे साथ क्या सच में ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है या नहीं। तो देखिए, इन्होंने जो मुझे व्हाट्सअप किया है तो इनका देख सकते हैं कि बस ऐसे आता है और ब्लैंक होके कट जाता है, आता है और ब्लैंक होके कट जाता है। फिर इन्होंने अपना कुछ दिमाग भी यूज़ किया कि आखिर कैसे भी करके मुझे जो है ना अपनी आईडी ओपन करना ही है, तो फिर कैसे करना है। फिर इन्होंने अपना इधर उधर जा करके कुछ ट्राई करके देखा कि फिर भी अगर ऐसे नहीं हो रहा है, तब जा करके इन्होंने क्या किया कि अपना जो है ना डेटा जो होता है ना डेटा को इसका डेटा क्लियर किया, ठीक है ना। क्लियर डेटा करने के बाद जब ये वापस ओपन किए तो इनकी आईडी ओपन हो गई। बट लेकिन ये दोस्तों, ये इसका सोल्यूशन नहीं है कि आपकी आईडी वापस हमेशा ओपन ऐसा होता रहे, बार बार ये ऐसा ही होता रहेगा। तो सॉरी, आपको ये वे कंप्लीट नहीं करना है, ठीक है ना। ये प्रॉब्लम हो गया, साथ में अब हम जो है ना जाएंगे अब उन के पास जो इन प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों, हम जो है ना यहाँ आ जाते हैं अपने ऑफिशियल के पास जिन्होंने इस प्रॉब्लम में हमारी मदद की है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे जो है ऑफिशियल से जब बात किए तो उन्होंने कहा, यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे लिखा हुआ है अनइंस्टॉल एंड्रॉयड सिस्टम वेब व्यू फ्रॉम द फ़ोन, ठीक है ना। अगर आपका ये अपडेट मांग रहा है तो यहाँ या तो इसको अपडेट कीजिए, ठीक है, ये जो दिख रहा है ये वाला, या तो इसको अपडेट कीजिए, ठीक है। अगर नहीं है तो लास्ट जो है अब ये वॉइस होगी ऑफिशियल सर की, तो ये आप सुन लीजिए। प्ले स्टोर पे जाओ, प्ले स्टोर फिर से ये जो ऐप क्रैश का प्रॉब्लम है ना, ये सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका है, प्ले स्टोर पे जाओ। प्ले स्टोर पे जाने के बाद माय एप्स एंड गेम्स में जाओ। माय एप्स एंड गेम्स में जाने के बाद अपडेट्स में गूगल क्रोम आया होगा, ठीक है। गूगल क्रोम आया हुआ तो उसको अपडेट कर दो, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। नहीं तो वो जो मैंने लिख के भेजा था Android system web viewer, वो भी अगर उसका भी अपडेट आया होगा तो उसको अपडेट कर दोगे, तो गूगल क्रोम उसको अपडेट कर दोगे, अक्सर गूगल क्रोम का अपडेट कर दोगे तो फिर चलने लग जाएगा आराम से, ठीक है। तो दोस्तों, ये थे हमारे ऑफिशियल सर जिन्होंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में काफ़ी हमारे मदद किए। तो क्या ये प्रॉब्लम सच में ऐसे सॉल्व हो सकता है, तो यही जानने के लिए अब हम आगे जाएंगे जिनका प्रॉब्लम एक बंदे का सॉल्व हुआ है, तो उनसे ही जाकर के पूछते हैं क्या उनका ये प्रॉब्लम सच में सॉल्व हुआ है या फिर नहीं, ठीक है। तो हम आ जाते हैं यहाँ पर और यहाँ पर प्ले करते हैं। आपका भी वॉइस रिकॉर्ड कर लिया। अभी मैं हंस रहा हूँ आराम से, इंटरव्यू लो। ऐसा नहीं होता है, वो अचानक से होना चाहिए। चलिए ठीक है, ओके ओके ओके। तो दोस्तों, ये थे संदीप जी जिनका भी प्रॉब्लम हुआ था, इनका भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। और भी दो तीन फ्रेंड का जो है ना मैसेज आया था जिनका प्रॉब्लम हो चुका है सॉल्व। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए एंड कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। और आप हमारे चैनल पर अगर नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा दो ताकि हमारी वीडियो अपलोड करते आप तक पहुँच जाए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। सुरक्षित रहे, घर में रहे और मास्क लगाना बिल्कुल ना भूले और सोशल डिस्टेंस का पालन करते रहें। बाय बाय।